सीबीएसई के क्लास 10 टर्म 2 का एग्जामिनेशन खत्म हुए आज एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सीबीएसई की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है कि वो रिजल्ट्स को कब डिक्लेयर करेंगे। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में आपको एक मैं खुशखबरी देने वाला हूं, क्योंकि सीबीएसई के ऑफिशियल्स की तरफ से ये लगभग कह ही दिया गया है कि रिजल्ट अब जल्दी आने वाला है। एंड उन्होंने एक डेट भी बता दिया है कि इस डेट तक सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर हो ही जाएगा। गाइस देखिए, एग्जाम तो आप सभी का खत्म हो गया, एग्जाम आप सभी ने दे दिया, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर परेशान है कि उनका मार्क्स कितना आने वाला है, वो कौन सी स्ट्रीम चुनेंगे। लेकिन अभी तक सीबीएसई ने कुछ भी नहीं कहा कि कब उनका रिजल्ट आएगा। ओके, एक महीने से ज्यादा का वक्त हो भी गया है, अब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आप मान लीजिए कि आप कितना परसेंट आएगा, जैसा कि आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, टर्म वन के बेसिस में आप लोग कैलकुलेट करके अपना स्ट्रीम चुन लीजिए। ओके, उसमें पढ़ाई शुरू कीजिए, अब आपको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ऐसा नहीं कर रहा। सीबीएसई क्या कर रहा है, रिजल्ट बनाने में बहुत लेट कर रहा है। अभी आप ही लोग देखिए, 24 में आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया 24 मई को, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो सोचिए 12th क्लास का एग्जामिनेशन 15 जून को उनका एग्जाम खत्म हुआ, लेकिन अभी तक उनका भी रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन गाइज, अब बात आता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो गाइज देखिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज के हिसाब से आपका रिजल्ट यानी क्लास 10 का रिजल्ट जो है वो 4 जुलाई को आ जाएगा। 4 जुलाई को आप सभी का रिजल्ट आने वाला है, यानी 4 जुलाई तक आपका रिजल्ट बिल्कुल आने ही वाला है, ये कह दिया सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने। एंड क्लास 12 का रिजल्ट जो है वो लगभग 10 जुलाई तक आ जाएगा। तो सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन प्रोसेस 20 जून को ही खत्म हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि हाँ 30, पहले तो सीबीएसई ने कहा कि 30-70 का वेटेज होगा, एंड अब वही हो भी रहा है, वेटेज 30-70 अप्रूव हो गया सीबीएसई की तरफ से। लेकिन अभी तक रिजल्ट कब आएगा उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन अब उनके ऑफिशियल्स ने कह दिया कि 4 जुलाई तक किसी भी हाल में क्लास 10 का रिजल्ट आ जाएगा। तो बस अब आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, अब आप लोगों का रिजल्ट जो है बिल्कुल आने ही वाला है। ओके, अब आपका रिजल्ट का प्रोसेस ये सब अब खत्म हो गया है। एंड जब क्लास 12 के भी स्टूडेंट है तो आपका भी रिजल्ट जो 10 जुलाई तक बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, एंड गाइस यदि मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है, आप सभी को बोनस मार्क्स भी बहुत ज्यादा दिया गया है। ओके, बोनस मार्क्स में कोई कमी नहीं की गई है, जहां पे क्वेश्चन गलत थे वहां पे आपको मार्क्स बढ़ाया जाएगा। ओके, एंड यदि आपको अभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी यानी रिजल्ट आने के बाद, तो आप अपनी कॉपी को चेक भी करवा सकते हैं। ओके, इसे बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स दे रहा है सीबीएसई। ओके, एंड आपको सीबीएसई का ये स्कीम कैसा लगा 30-70 वाला, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी अटकलें ऐसी लग रही है कि हाँ बेस्ट ऑफ आइदर टर्म टू सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा ना तो लगभग सभी स्टूडेंट का यानी लगभग 50-60% स्टूडेंट्स का 90% अब अभी आ जाएगा। इसलिए यदि देखा जाए तो ये खराब है, उनके साथ खराब होगा जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, क्योंकि टर्म वन में तो ये हम लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी स्टूडेंट्स ने, लेकिन क्या है कि टर्म वन था, टर्म टू है। ओके, क्योंकि टर्म वन में अनफेयर मीन्स का भी बहुत यूज हुआ था, इसीलिए ये करना बहुत गलत होगा कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म ले लिया जाए, क्योंकि टर्म वन में बहुत अच्छा मार्क्स आया भी था स्टूडेंट्स का, जो 30-40% लाने वाले थे उनका भी 80% तक का मार्क्स आ गया था। तो ये गलत होगा कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म ले लिया जाए। हाँ ये सही है, 30-70 वाला या 50-50 भी सही ही था। तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उस अकॉर्डिंग से बेसिक रिजल्ट बना रहा है 30-70 के अकॉर्डिंग। तो आप लोग सभी को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। एंड गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग रिजल्ट्स को देख सके। ओके, कब उनका रिजल्ट आने वाले ये जान सके। अब गाइस देखिए, यदि मैं कहूं ना तो आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, अब आप बिल्कुल पढ़ाई में ब्रेक मत लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम आपका ऐसे ही निकाला जा चुका है। ओके, क्योंकि जेई के एग्जाम्स कब होंगे, यदि आप जेई को टारगेट करें, नीट को टारगेट करें, तो उनके एग्जाम्स तो टाइमली ही ना होंगे, उनके एग्जाम्स तो ऐसा नहीं दिसंबर में ले लिए जाएंगे, उनके एग्जाम्स टाइमली होंगे। ओके, इसलिए जरूरी है कि आप लोग सभी अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, बिल्कुल भी ब्रेक ना ले पढ़ाई में। ओके, एंड गाइस आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि अब तो ऑफिशियल्स के द्वारा कंफर्म कर ही दिया गया है। तो 4 जुलाई को जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे आप लोग रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो यदि आप वैसा वीडियो भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 9 बताइए। ओके, जिससे मैं आपको समझ पाऊंगा कि आप सभी को वो भी वीडियो चाहिए। एंड गाइस देखिए क्या होता है, ये जरूरी इसलिए कि रिजल्ट कहां कहां चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सीबीएसई के सर्वर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है रिजल्ट के लिए, इसलिए जरूरी ये होता है कि आप लोग सभी दूसरे ऐप में भी अपने रिजल्ट को चेक कर रहे हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको रिजल्ट चेक करने में, इसलिए आप सभी को ये जानना
चाहिए कि कैसे हम लोग रिजल्ट को फास्टली चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स है गवर्नमेंट के रिजल्ट निकाले जाते हैं जिसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड गाइज, यदि आपको ये डेट अच्छा लगा, आपको ये अपडेट अच्छा लगा कि आपका रिजल्ट अब आने ही वाला है, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।